हट्टू की तरह वहां से भाग कर आया, ऐसा समझा क्या? असली मर्द हूं, मर्द। दिल में लव, हाथ में पावर, आंखों में फायर, माइंड में स्पीड, प्यार में कुत्ते का बच्चा और जंगल में शेर हूं शेर।
इसका नाम है जॉनी, इसका पेशा है ब्लैक एंड व्हाइट धंधा। क्यों बे सालो, मेरा डांस देखकर पिछवाड़ा फट गया क्या तुम्हारा? और थोड़ा सा करंट रहता ना तो मचा डालता। क्यों भाई? पिछवाड़े को। चुप हो जा भाई, मजाक मत कर। अरे जॉनी का ऐसा वैसा समझेला है क्या? सुपर भाई, एकदम मस्त किया भाई आपने। भाई आपने यहाँ पर अच्छा किया तो स्टेज पर। तो अबे बंताई, मेरा डांस ऐसा ही है, तुम लोग इस जॉनी को हल्के में ले रहा है क्या? दादा परदादा के जमाने से आप ऐसा ही डांस करते आ रहा है। भाई नमस्ते। भाई हाँ नमस्ते। क्या गुरु, मैंने तो सोचा था ये कोई बहुत बड़ा गुंडा होगा, लेकिन ये तो छपरी लग रहा है। इसके आजू बाजू देखो क्या। चुप खड़ा रहे, मैं हूँ ना यहाँ। भाई कौन है भैया? बैंड बजा में पिपड़ी बजाने वाला जैसा लग रहा है। भाई ये पिपड़ी बजाने वाला नहीं है, ये बीच वाला है भाई। मतलब? मतलब ब्रोकर है भाई ये ना, स्टेशन आया था सेटलमेंट के लिए। अगर वहाँ सेटलमेंट किया तो किसी और को पैसा मिलेगा, इसलिए यहाँ लाया। कौन सा सेटलमेंट? हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का धंधा है, 700 वेपन से आप कर पाओगे क्या? कर पाऊंगा। यहाँ बैठा कौन पता है क्या? जॉनी, जॉनी, मैंने हाथ रख दिया ना तो सबका काम फिनिश। ए, बात समझ में आई क्या? बाकी मैं हूँ ना यहाँ। भाई अगर आपको डील ओके है तो इसके बॉस को लेकर आता हूँ मैं। काकी अगर तेरे लिए ओके है ना तो मेरे लिए भी ओके है। ओके भाई चल बे। हाँ ठीक है ठीक है। इसका नाम है मार्क, जॉनी का भाई है ये। सारे स्टेशन में इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये देश की सेवा करता है, रावड़ी के नाम पर है। भाई आए इस बात की खुशी जॉनी को हुई। लेकिन ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट भी हो गया। मार्क चल बसा और जॉनी के सर पर चोट लगी, तब से 30% दिमाग इसका लूज हो गया। यह है क्रू शक्ति। एक जमाने में समाज का अच्छा करने गया और यह खुद बुरा बन गया। रावड़ी होने के बावजूद यह सब कुछ इंसाफ के साथ करता है, साइट्स और जमीन के सारे डील्स यही करता है। शक्ति पर किसी ने स्केच डाला था, उसे खत्म करने वाला यही। कांटे के साथ कांटा, फूल के साथ फूल जैसा, ऐसा स्वभाव है शक्ति का। और शक्ति का भी एक शिष्य है और वो है सूर्या। यह अनाथ है लेकिन इसने अभी तक ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि इसके दोस्त इसके साथ हैं, इसलिए इसमें वो फीलिंग कभी आई ही नहीं। जो तेरी किस्मत में है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, और जो तेरा नहीं है उसके लिए तू कितनी बार कोशिश कर ले नहीं मिलेगा। चिंता को छोड़, जिंदगी में जो होना है वो होकर ही रहेगा, ये इसकी जिंदगी का उसूल है। और उसूल पे चलना इसकी आदत है, और आदत कभी बदलती नहीं, और यही इसका चरित्र भी दर्शाता है। ಹನುಮಂತನ ನಂದನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಅವತಾರದಿ ಬಂದಾಧೀನಂ ಮಹಾದೇವನ ಭಕ್ತನು ಬಸವಣ್ಣನ ದತ್ತನು ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಇವನ ರೂಪಂ ಧೀರಂ ಬಂದಾಧೀರಂ ಬಂದಾಧೀರಂ ನಮ್ಮ ಕಾಯೋ ಜೀವಂ ಕಾಯೋ ಜೀವಂ ಧೀರಂ ಬಂದಾಧೀರಂ ಬಂದಾಧೀರಂ ಇವನೇ ಇವನೇ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ भाई। इस बार गणपति के त्योहार को जोर शोर से मनाएंगे, सारे एरिया में जाएंगे, जेब भारी होनी चाहिए, समझे क्या? ए, कौन है बे तू? जीते जीते को मारता है तू? वो भी मेरे एरिया में आके। अब तुझे मारने के लिए हमारे एरिया के लड़कों की क्या जरूरत है? ओ, इस खेल के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मर्दानगी के मामले में मैं कम नहीं हूँ। मुझे तो ही चाहिए बे, चल।
थी। आ! साले हमारे लड़कों को मारने का प्लान बनाता है। ए, यही तेरा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अगर वापस ऐसा किया तो सूर्या, काट डाल इसे। अरे काटने की जरूरत नहीं है, ब्लेड ही लेकर आ, मेरी दी हुई चोट ही काफी है इसके लिए। नहीं, 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 नहीं। क्या सेठ, बहुत दिनों बाद दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे वो साइट किसी भी हालत में चाहिए भाई। सेठ 40% मेरा, 60% तेरा, क्या कहते हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तू नहीं बोल रहा है तो डील भी नहीं होगी। वो साइट 50 लाख में जाएगा, मैं आपको 2 लाख दे दूंगा। आप कितने अच्छे दिख रहे हैं भाई। भाई उस भगवान ने आपको कितने अच्छे से बनाया है, बोलो ना भाई। सेठ तेरे साइट का काम बिल्कुल हो जाएगा, आपको ही संभालना होगा भाई। हाँ भाई, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं जैसे कह रहा हूँ सब हो जाएगा। देख तेरा बनिया का दिमाग मेरे सामने मत चला, पहले ही कंजूस सेठ है, दिमाग मत खा मेरा, मुझे बहुत काम है। मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर बस। मैं आपको 5 लाख देता हूँ भाई, आप इतना हेल्प कर दो बस। ठीक है चल कर देता हूँ। एड्रेस बता। एड्रेस सुनिए भाई, येलना मेनू नागनूर पैलेस, जगह वही है। अच्छा वो एरिया क्या? देखो सूर्या भाई प्लीज। हाँ समझ, काम हो जाएगा, हिम्मत रख और घर जा, मैं कर दूंगा तेरा काम। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। हाय हाय, मुझे लगा था मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन तुम लोग तो टाइम पर ही आए हो। हाँ क्या गुरु, लड़कियों के पीछे जा रहे हो? हवा का झोंका ऐसा आया कि मैं उसके साथ चला गया। क्या हुआ, क्यों रुक गया? चल चल, चल बहुत हुआ। अरे यार सुबू भैया जी, पूजा कर रहे थे क्या? अरे राम जी अंदर आओ। मैं घर में नहीं आ सकता, सूतक है। सूतक? क्या हुआ राम जी? ऐसे कोई बात नहीं है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, थोड़े पैसे चाहिए थे। अच्छा? पैसे लेने गया था लेकिन उसने कहा जब तक पुराने पैसे नहीं दोगे और पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी थोड़ी मदद कर दो। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आया। देखो राम जी, अब से कर्जा गिरवी रखना ये सब बंद कर दो, अपने बारे में नहीं तो अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। ये लो। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए थे जो आप मुझे मिले। राम जी अगर मेरी खुद की बेटी होती तो मैं तुमसे ही तो मदद मांगता, और तुम भी मेरी मदद करते है ना। नमस्कार। ठीक है हम ऑटो वालों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अच्छा वो ठीक है, मैं देख लूंगा ये सब। ए, कौन है ये लोग? ए कौन है भाई ये बच्चे लोग? जॉनी के आदमी है भाई। जॉनी के लोग हैं? अरे रुको रुको रुको, मैं बुलाता हूँ भाई को। यहाँ पे क्यों आया बता? कुछ नहीं है? अबे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्यों आया फिर? गुरु तूने जो जगह लिए ना वो अपन को मांगता है, तूने जितना दिए ना उसका अपन डबल देता है, अपन उधर क्लब बनाएगा। क्या क्लब बनाएगा? तुझे पुंगी डांस करने के लिए वही जगह क्यों चाहिए? जाकर बस अड्डे पे डांस करना, 4 पैसे कमा लेगा कम से कम। किसी अच्छे काम के लिए मांगा होता ना तो एक बार मैं भी सोचता, लेकिन तेरे इस क्लब के लिए ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? वहां की धूल भी नहीं मिलेगी तुझे, समझा?
देख थोड़ा ठीक से सोचने का और बात करने का। तुम यहां सूर्या? भाई आपका दिया हुआ काम मैंने कर दिया है, इसमें कैश ले लीजिए। रख ले। क्या बे चेहरा क्या देख रहा है? जो बोला वो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे से जुड़े हुए किसी भी काम में अगर तूने हाथ पैर डाला तो आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से काट डालूंगा, समझा क्या? चल अब निकल यहां से, चल। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ठीक है ठीक है, चलो रे। पता नहीं भाई आज कुछ ज्यादा ही गर्म है। ए सूर्या एक मिनट। ए तुम लोग चलो मैं आता हूं। सूर्या वो सूटकेस तू खुद लेकर जा सकता था ना? पैसे लेकर भागने के लिए मैं तेरी तरह चोर नहीं हूं, अपने बाप का बेटा हूं। ईमानदारी और भरोसा ये दोनों मेरे खून में ही है। अगर तू अभी यहां से नहीं गया तो मुझे भगाना पड़ेगा। हेलो आ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? दे रहा है टाइम? आज अपन का टाइम सही नहीं है। क्या भाई वो आपसे ऊंची आवाज में बात करके चला गया? गाएगा आवाज बे, मेरे हवाई चप्पल के बराबर भी नहीं है वो। उफ इतनी धूप में ही ऑटो को पंचर होना था क्या? सब नटों में जंग लग गया है। सर तू क्यों ऐसे तकलीफ कर रहा है बेटा? सर मैंने पकड़ा हुआ है, आप आराम से कीजिए। कौन है बेटा तू? आपका बेटा समझ लो सर। ठीक है तेरा भला हो बेटा। थैंक यू सर, चलता हूं। इस जमाने में भी ऐसे अच्छे लड़के हैं। मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो तो? लात मारो, मारो और मारो, मारो छोड़ना नहीं इसे, मारो मारो इसे। हेलो हेलो सूर्या। हाँ भाई। अरे सुन ना उसे छोड़ दे। क्यों भाई? अरे उसका भाई आकर सेटलमेंट करके गया है रे, छोड़ दे उसे। ठीक है भाई। ए छोड़े से, भाई ने फोन नहीं किया होता तो इसकी शामत होती। चल तेरा टाइम अच्छा था, चलो बे। बंटा अगर भाई ने कॉल नहीं किया होता तो उसकी शामत ही निकाल देता मैं।
भाई नमस्ते, क्या लाऊं भाई आपके लिए? तेरे बार में स्पेशल क्या है भाई? आप नए हो क्या? अबे वही बे, अगर होटल में जाते हैं तो हम पूछते हैं ना क्या क्या है, वैसे ही तेरे बार में क्या क्या है, लेके आ। मस्तान तो सही सोच रहा था। क्यों नहीं बता सकता बे? खाने वाले होटल में तो बताते हैं, पीने वाले बार में नहीं बता सकते? रम, विस्की, ब्रांडी, बियर दे सकता हूँ भाई, आप जो कह रहे हो वो कैसे दे दूं? हम यहाँ फालतू में ही नहीं बैठते हैं, पैसे देकर ही पियेंगे ना। चल बता ब्रांड क्या क्या है, जो भी है लेके आ। भाई ये बार है, होटल नहीं है जो मैं सारे नाम बताऊंगा। हमें तेरे नहीं, तुझे हमारी बात माननी चाहिए। अरे छोड़ो यार, बहुत मजाक कर लिया तुम लोगों ने। ऐशी से एक फुल बॉटल चिप्स, सिगरेट और जो कुछ भी लेकर आ, जा। ठीक है भाई, लाता हूँ। अरे तो कबाब भी लेके आना। लाता हूँ। सूर्या तू एकदम सुपर है सूर्या। यार सूर्या, इस फील्ड में तुझे अच्छा नाम बनाना होगा, समझा? इस फील्ड में नाम बनाना इतना इजी नहीं है बंटा। इस फील्ड में अगर नाम बनाना है तो पुराने पंटर को मार कर नया किंग हमें बनना होगा। सही बोला भाई। आइटम आ गए भाई। आइटम आ गए। कुछ और चाहिए होगा तो बोलना भाई। ए हाँ, पकड़ ब्लैकी। हाँ भाई दो। हाँ स्टार्ट करो यार। चीयर्स। ए अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई। हाँ छोटी छोटी डील करके हम यहाँ आ गए, सोचो बड़ी डील मिलेगी तो क्या होगा। इसलिए तो मैंने बोला भाई कि बड़े बड़े डील करेंगे तो लाइफ में सेटल हो जाएंगे। 5-star होटल, आजू बाजू में लड़कियाँ, लाइफ का मस्त एंजॉय कर पाएंगे भाई। मगर सूर्या, इस फील्ड में तुझे अच्छा नाम बनाना होगा यार, क्या बोलता है? तभी देखना, हाथ में ग्लास, बगल में लड़कियां, अलग ही रंगे है। क्या बोलते सूर्या डार्लिंग? छोटे होकर हम ऐसे हैं, सोचो बड़े होंगे तो क्या होगा। सही कहा। तूने सही कहा दोस्त। इंसान के अंदर इच्छा होनी चाहिए, लालच नहीं। एक बात कहूं, रोड पर घूमने वाली वैश्या भी पैसे कमाती है। हम कौन से रेंज पर है वो हमारे नसीब के ऊपर, और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। अरे चलो यार पी के मजा करते हैं, ठीक है? सब लोग मजे करो बस। अरे यार हमें हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहिए, फैंटास्टिक बनकर। चाटा तूने बिल्कुल सही कहा है ना भाई? एकदम सही। इसलिए तो मैंने बोला भाई कि वैसे हो जाएगा, हम तो एकदम मस्त रहेंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। हमारे हाथ में ग्लास, बगल में लड़कियां होंगी। अरे सोच करी यार। क्या बात है, आज दोनों सूर्या साथ साथ आ रहे हैं। हाँ क्या सूर्या, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गया? भाई वो थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? हाँ। कभी पैसे नहीं मांगे तूने, आज पैसा मांग रहा है? भाई वो खर्चे के लिए 20,000 रुपये चाहिए था। फालतू के खर्चे कम किया करो सूर्या, और हाँ थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखा करो, समझे? ऐसा कुछ नहीं भाई, अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। ये पेपर पकड़। ये ले, हर्ष अब जाकर अपना काम कर, ठीक है? ठीक है, चलते चलते। ए पेपर लाना। गुरुजी आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, अर्चना कीजिए। Thank you.
बेटी हमेशा खुश रहना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये लो पापा। हाँ। ये लो माँ। अरे भगवान रक्षा करना। बहुत बढ़िया, तुम कुछ भी कहो, लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, बिल्कुल मेरी तरह है ना बेटी। पापा आपका और भगवान का आशीर्वाद है मुझ पर। आपकी बेटी आपकी नजरों में महालक्ष्मी है और मैं कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे तुम तो मेरी अर्धंगी हो ना। अर्धंगी नहीं, अर्धांगनी होता है, इसे तो ठीक से बोलो। हाँ ठीक है, मेरी आरती। पापा आरती नहीं, आरती। ओ ठीक है आरती। देखो आज हम मंदिर आए हैं, आज इसका जन्मदिन है। ओहो कम से कम आज तो अपना मुंह बंद करके बैठ सकती हो ना। पापा मम्मी यहाँ तो शांत रहो आप लोग, हम लोग यहाँ मंदिर पूजा करने आए हुए हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, थोड़ा काम भी है, तो चलो घर चलते हैं। अरे थोड़ा स्माइल तो कर दे यार। चलो लाइन में आओ बच्चों, वेस्ट मत करना, जितना चाहिए उतना लो। सब लोग इस तरफ आओ। जा बेटा लो, गिराना नहीं है। चलो तुम भी लो। अरे वाह वाह, देखो बेटी इस जमाने में भी दान धर्म करने वाले लोग हैं। आहा मानना पड़ेगा। अरे पापा बहुत बढ़िया। अंकल मिठाई लीजिए। अंकल आज हमारी भाभी का बर्थडे है। कौन है तुम्हारी भाभी, फिल्म स्टार है या कोई राजनेता है? न राजनेता है न फिल्म स्टार है, हमारे सूर्या के दिल में बसने वाली है। बहुत पापा, अच्छे। आपने कहा था ना भूख लग रही है, हम चलें? लो तुम भी लो। ठीक है बेटा। सूर्या देख। हा? यार तेरे ससुर जी तो सुपर है, भाभी तो और भी सुपर है यार। आज जो हमने काम किया ना भाई, बहुत खुशी हो रही है। हाँ यार अच्छे काम में खुशी तो मिलती ही है। हाँ सूर्या हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। हाँ भाई हमारा भी काम एक तरीके से समाज सेवा। ये बात। हाँ यार उन्होंने किया तो समाज सेवा और हमने किया तो विज्ञान और गणित की सेवा। क्या भाई जो भी सेवा है साथ मिलकर करेंगे ना। चल चल चल। चलो रे। ए इधर आओ सब। मीटर माँ का इंटरेस्ट का कलेक्शन करके आओ। मीटर माँ को अपना पैसा चाहिए, जाकर मेरा पैसा लेकर आओ। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। ठीक है दीदी। मीटर माँ को ऐसा वैसा समझाए क्या? हे
दीदी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये साले कहाँ गए हैं ये मुझे पता है, चलो चलते हैं। दस हजार क्या? मैंने परसों यही कहा था, अगर एक रुपए चुराएगा तो भी चोरी होती है और 10 लाख चुराया तो भी चोरी है। तूने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं बता। सर आप पूछताछ कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? सर आई एम पापा पीपी। हाँ? पापा पीपी नॉक नॉक सेवन। सर कौन है सर ये? लगता है दिमाग खराब है इसका, गलती से थाने आ गया है। कौन है सर ये? अबे कौन है तू? सर जॉनी नॉक नॉक सेवन। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? सर जॉनी नॉक नॉक सेवन। जॉनी? माई जॉनी? माई जॉनी? ओ पापा पीपी, पीपी पापा। यस सर। सर थैंक यू सर। सर ये सब क्या है? लोकित वाले हमारे पीछे पड़े हैं ना, इसलिए ये सीक्रेट कोड है, समझा क्या? बोलो रवि। सर कल हमारे पुलिस स्टेशन में नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग है। अच्छा आने दे सबको, सब हमारे ही लोग हैं। वो जो येलो चूड़ीदार में आ रही है ना भाई, वही मेरी है। वो चूड़ीदार वाली जा रही है ना, वो मेरी है। ए जड़ा वो ब्लैक टॉप वाली को तेरी भाभी बनाऊं क्या, बोल। यार उसके साथ जो आ रही है ना वो मेरी है। अबे उसका साइज देख और तू अपना साइज देख, उसका रंग देख और तू अपना रंग देख, तो लगा ले मेरे भाई। वो तेरी। यार मेरी वाली लग रही है भाई, मत देख भाई। अरे यार मजा आ गया। अगर बदतमीजी की तो चप्पल टूटने तक मारूंगी। टूटा तो कोई बात नहीं, सिल के दे दूंगा, आ जाना। लोफर कहीं का। अबे तुम लोग चुप बैठो यार, मैं यहाँ कोई और टेंशन में हूँ और तुम लोग अपना ही चालू है। सब चुप हो जाओ यार। कल इसी जगह पर देखा था मैंने उसे और आज आ ही नहीं रही है, देखने का मन कर रहा है यार। सूर्या देख भाई आ गए। सूर्या। भाई नमस्ते। नमस्ते, कैसा है? अच्छा हूँ भाई, यहाँ पर एक डील करने आया था इसलिए इंतजार कर रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, परसों का फंक्शन कैसा हुआ? सुपर था भाई, बस आप ही नहीं आए। कैसे आता बताना, यहाँ वहाँ छोटे मोटे सेटलमेंट थे इसलिए नहीं आ पाया। सुनना कुछ काम है तुझसे, शाम को मेरे घर होते हुए जाना, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। ठीक है ना? ठीक है, चलता हूँ मैं, तो आ जाना याद से। कल आ जाऊंगा। ठीक है चल। ठीक है हाँ, बाय बाय। किस तरफ चलूं भाई? ए साइड पे चल। मुझे लगता है अब तो वो नहीं आएगी। ये सब कुछ उसी का है ना, समझ गई मैं। ए सिगरेट दे। यहाँ पर कंपाउंड डालना होगा। इस जगह की कीमत क्या है? दीदी इस जगह की कीमत 15 लाख है, उन्होंने सिर्फ हमसे 8 लाख लिए थे, ऊपर का पैसा तो हमारे लिए प्रॉफिट ही है ना। ए इधर आ रे। ए कौन है भैया? छाती फुलाकर खड़ी है, एकदम कड़क माल है भाई, वो में तो एकदम झक्कास लग रही है। मीटर है भाई, मीटर मीटर। क्या मीटर भाई? वो मीटर मुन्नीमा है। क्या रे क्या नाम पुराना है, मुन्नी अम्मा, लेकिन दिखने में तो एकदम कड़क स्ट्रक्चर है, बहुत हॉट लग रही है भाई। लेकिन इसने अपना नाम मीटर मुन्नी माँ क्यों रखेला है? मेरे से ज्यादा मीटर है क्या इसका?
भाई आपका सिर्फ यहाँ मीटर है, उसका तो सब जगह मीटर है। मीटर मुनी माँ को ऐसा वैसा समझाए क्या? वो आग है भाई, आग। अबे साले, मेरे से ज्यादा मीटर है क्या उसमें? चल अपन आज देख ही लेते हैं। हाँ देखते हैं भाई, चलो। मीटर मुन्नी माँ तू ही चे क्या? ए, कौन है तू? किसके सामने खड़े होकर क्या बात कर रहा है? जानी जानी स्नैक जानी। ए, इसका मतलब क्या है बे? ये वही है साला। अच्छा सांप पकड़ने वाला, तो सांप पकड़ना जाके, जाके अपना काम कर। सांप पकड़ने नहीं आयला इधर, सांप रानी को देखकर पकड़ने आयला है। तू जानता है क्या किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है? जैसे पुंगी बजाकर आया है वैसे ही पुंगी बजाकर सांप पकड़ जाके, नहीं तो सांप के काटने जैसा कर दूंगी। होशियार। सांप कौन सा सांप, वो दिखाता है। दिमाग खराब कर दिया पागल। ए, सुधर जा साले। दोबारा अगर तूने इस मैटर में हाथ डालने की कोशिश की ना, पैदा नहीं हुआ था ऐसा कर दूंगा। सर सर काट दूंगा तेरा। शरीफ बन गया हूं मैं, दोबारा तलवार उठाने पे मजबूर मत कर, समझा क्या भाई? वो चल निकल निकल। ठीक है भाई चलता हूँ। नमस्ते भाई। ओ सूर्या आ गया, बहुत देर से आया तू। कुछ नहीं भाई, मैं आपके घर गया था, पता चला आप नहीं है इसलिए सीधा यहीं आ गया। क्या बात है भाई? अरे एक छोटी सी डील थी, उसी के लिए आया हुआ था। हो गई डील वो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई आपको क्या हो गया, आप सिर्फ चिप्स ही खा रहे हैं, चिकन पीस कहाँ है? अरे यार सूर्या आज सोमवार है ना, मैं सोमवार को वो सब नहीं खाता। हुए तुम पर, तुम लोग दिन भर कुछ नहीं देखते, बेवकूफ कहीं के। ए, पैसे देना ये ले। अब नहीं भाई। अरे ले ले रख ले। अब नहीं भाई। अरे मैं कह रहा हूं ना रख ले। नहीं 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 ये कम है क्या? हाँ एक बार बोलू, थोड़ा कम शौक किया कर, ले ले ये रख ले। अरे ले ले पकड़ लाइए। शुक्रिया भगवान। सुबह सुबह भाई ने बोहनी कर दी यार। हाँ यार अच्छा लड़का है। रवि मास्टर अच्छी तरह से सिखाते हैं, देखने में भी बहुत हैंडसम है ना। हाँ सच कह रही हो। कुछ भी बोल यार, मास्टर जी जो कहते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस रूट पर आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय सुची। तुम जाओ यहाँ से। सुची एक मिनट रुक जा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ यार तूने सही कहा, ये बिल्कुल बंदर की ही तरह दिखते हैं। हे रुक जा यार, मुझे नहीं पता ये क्या बोलने वाला है। या तो बोलेगा मुझसे बहुत प्यार करता है, या बोलेगा जान देने वाला है, या कहेगा मैं कुछ भी कर लूंगा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे हैं। तुम ऐसे बीच बीच में आके मुझे क्यों परेशान करते हो? मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, किससे शादी करनी है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। मेरे लिए मेरी खुशियाँ बहुत जरूरी है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, यूँ बार बार मेरे पीछे आकर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा है। मैं और तुम जिंदगी में कभी भी एक नहीं हो सकते। आखिरी बार बोल रही हूँ, गुड बाय। चलो यहाँ से। सुची सुची एक सही समय पर इसने हाथ दे दिया। तू भी तो बंदरिया ही है, मिलेगी जरूर। अरे भाई सूर्या हमें अभी भाई ने बुलाया है। चल
सुनो भाई। क्या है बे, अच्छे मूड में अच्छा गाना सुन रहा था, क्या तकलीफ है तेरे को? भाई आप यहाँ खुशी खुशी गाना सुन रहे हो, वहाँ पर आपका वो राइट हैंड मारा पड़ा है। क्या ए, क्या बोल रहे खाकी? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तेल की फैक्ट्री के पास रंगा का मर्डर हुआ है। ए, अपुन तेरे साथ इसलिए है कि तू अपुन के लड़कों को सिक्योरिटी देगा, तू वॉचमैन का काम भी सही से नहीं कर पा रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। जिस किसने भी अपुन के रंगा को मारे ला है ना, उसको ढूंढ के मारेगा मैं। चल निकल। भाई आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आगे सब देख लूंगा। अपुन टेंशन में नहीं रहे, अटेंशन में है, जा तू अपना काम कर, निकल। इन लोगों का साथ देकर थक गया हूं। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया लाए, क्या करूं, क्या करना क्या है अपुन को पता है। ए तू छुटा। हे सुची, सुची रुक जा। सुची मुझे तेरे से बात करनी है। रुक, रुको एक बार बात तो कर लो प्लीज। स्टॉप, चुप इडियट, तुम क्यों मेरी जान खा रहे हो? क्यों ऐसे कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? जाकर पहले अपनी शक्ल देखो। प्यार हो गया है बोल रहा है, प्यार क्या होता है तुम्हें आइडिया भी है? स्टॉप इट सुची, लव मतलब मैं मतलब तुम, तू ही मेरी दुनिया है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। आई लव यू सुची, प्रेम की देवी है मेरे लिए तू। मुंह में सिगरेट और चार पांच लोगों को अपने साथ में क्या रख लिया है? अपने आप को पंटर समझ रहा है? पहले किसी के काम आ सके ऐसा काम कर, बाद में आना मेरे पास, उससे पहले मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। छोड़ के जा रही ना सुची, जा जा, आज नहीं तो कल मेरी होकर रहेगी। आई लव यू सुची, आई लव यू। ए मस्तान, सूर्य 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ आने दे दोस्त। हेलो। हेलो भाई, सूर्य अपने चेलों के साथ इधर ही है। उसके ही लड़के हैं ना? कंफर्म भाई। सही से देखा है ना? हाँ भाई, सूर्या के ही लड़के हैं। तो किस बात का? समझो खत्म। जाके अटैक करो। ए चलो सब लोग। अरे अरे उठ भाई उठ, चल 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 चल। अबे साले रुको। भाग्य साले।
साले भाग गए। अगर वो हाथ लगे होते ना, तू सही समय पर नहीं आता ना भाई, तो यहाँ पर हमारी लाश मिलती। ए, उठ जा। ऐसा मत बोल। ए, चुप हो जा, बहुत हुआ। दोबारा ऐसा बोलेगा ना तो सही नहीं होगा। तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। हे, तुम लोग ही मेरे लिए भाई बहन हो, माँ बाप हो। तुम लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। चलो आ जाओ। साला अपुन के फिल्म में उतर रहा है, अपुन के लड़के के ऊपर हाथ उठा रहा है। अभी वो बच्चा है भाई, थोड़ा धीरज रखो आप। क्या धीरज रखने का रे, सुसू आया तो रोक सकता है, सुनामी आया तो भी रोक सकता है, लेकिन उस साले ने अपुन के लड़के को मार के भेजेला है। भाई अगर वो अकेले रहता तो मैं खुद टपका देता उसको, लेकिन उसके पास शक्ति है, महाशक्ति। हाय सुची। हे, हाय। प्लीज स्टॉप, ये हमारे कल्चर में नहीं है। सुची, मैं महीने में सिर्फ 5 दिन कॉलेज आता हूँ, एक मंथ का लेसन एक दिन में सिखा देना, ठीक है? ऐसा नहीं है जॉनसन, अगर तुम्हारे सीखने की इच्छा है तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी सिखा देती हूँ मैं। अरे यार, सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, नॉट जॉनसन, इट्स जैक्सन, जैक्सन। ओह, आई एम जॉनसन, जॉनसन फ्रॉम अमेरिका। क्या बे चुमू, क्या बे, कौन है तू? क्या होलिया बना रखा है तूने? मेरी बंदी के पीछे भाग रहा है? मुंह तोड़ दूंगा साले। यार सूर्या, उसे तो देखकर ही पता लग रहा है कि आइसक्रीम खाने वाला है ये। और ये जो कपड़े पहना है ना इसने, एकदम कचरा उठाने वाला लग रहा है मेरे भाई। अरे इसके बाल देख ब्लैकी, इसने जो पैंट पहना है वो लड़कियों की तरह है। तू भी ना। ए जैक्सन, इन गुंडों के साथ क्या बात करनी, चलो चलते हैं। ए सुची, तू बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, मुझे लगा तू इंटेलिजेंट होगी, लेकिन तू ऐसे कचरा इंसान के साथ घूम रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साल तक खाना ही नहीं खाया होगा, सरा से ढील दिया तो तुझे ही खा जाएगा। मैं क्या करूंगा फिर? ए भिखारी साले, यहाँ से चलते बन, और 2 सेकंड अगर मेरी नजरों के सामने रुका तो सेकंड इनिंग स्टार्ट जैसे करते हैं वैसे काट डालूंगा। हे जॉनसन, जॉनसन रुको। अरे यार, सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, नॉट जॉनसन, इट्स जैक्सन, जैक्सन। ए निकल निकल। कौन है साला अमेरिका का जैक्सन बोल रहा था? हमने अमेरिका नहीं देखा है क्या? दोस्त, पता नहीं मुझे तुझ पर ही डाउट है। अरे भाई, हम अमेरिका नहीं जाते, जाते हैं सीधा सिंगापुर। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर डाउट हो रहा है यार। अरे बस करो। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान का। बात और दिल दोनों एक ही है मेरा, बात हिंदी में और दिल हिंदुस्तान। बस कर बस कर, हिंदुस्तानी है, बस कर, बात और दिल एक ही है। ए, तो कॉलेज पढ़ाई करने जाती है या फिर FTV की तरह फैशन शो करने जाती है? वो कॉलेज है, सरस्वती का मंदिर। तेरे हाथ में जो बैग है उसे देखकर लगता नहीं कि तू कॉलेज में पढ़ने आई है। थो, क्या हुलिया बना रखा है, लगता है तुमने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा है, देखा होता तो ऐसा हुलिया नहीं बनाती। ए मुंह बंद करो अपना, तू मुझे समझा, इतना बड़ा नहीं हुआ तू अभी, इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलकर तू मुझे पटाना चाह रहा है। गलत फहमी है तेरी, ऐसा ख्याल अपने दिल में भी मत लाना। आई एम सॉरी, गुड बाय। कहां-कहां से आ जाते हैं ए, जा रही है, जा सुची, जा जा, जहां भी जाएगी वापस मेरे पास ही आना होगा, मेरे हार्ट में तूने घर बना लिया है। चलो, मेरे दिल की धड़कन। ये लो, तुम भी लो। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लो तुम भी लो। लो लो बेटा, लो तुम भी लो, आप भी लीजिए। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, मेरी पत्नी का जन्मदिन है,
क्या बात है सर, बहुत खुश दिख रहे हैं। कुछ खास है क्या? कैसा है बेटा? अच्छा हूँ। लो मिठाई खाओ। सर स्वीट दे रहे हैं, क्या बात है? आपका जन्मदिन है क्या सर? आज मेरी पत्नी शारदा का जन्मदिन है, उसी के याद में अनाथ आश्रम जाकर अपने हाथों से सेवा करके आ रहा हूँ। एक और मिठाई लो बेटा। बस सर। ये अचानक चला क्यों गया? आज मुझे मेरी माँ भी याद आ रही है। लगता है मेरी बातों से नाराज हो गया।
फट्टू की तरह वहां से भाग कर आया, ऐसा समझा क्या? असली मर्द हूं, मर्द। दिल में लव, हाथ में पावर, आंखों में फायर, माइंड में स्पीड, प्यार में कुत्ते का बच्चा और जंगल में शेर हूं, शेर। ग्राउंड में बैट और बॉल के साथ खेलोगे तो क्रिकेट, चड्डी पहन के खेले तो कबड्डी, और इतनी देर तक मैंने कौन सा खेल खेला पता है क्या? भाई माँ कसम पता नहीं है भाई, आपने कौन सा खेल खेला नहीं पता भाई। बच्चा साला। अरे दोस्त ये सब क्या है? अरे ये चिल्ड्रन मैटर था, चलो। नमस्ते सर। अरे बड्डे क्या प्रॉब्लम है तेरा? सर मेरी प्रॉपर्टी के पेपर गुंडों के हाथ लग गए, आप वो मुझे वापस दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रॉपर्टी का पेपर? हाँ सर। इस उम्र में कितनी प्रॉपर्टी बनाई है तूने? 50 लाख है सर। हाँ 50 लाख? मैं तेरी प्रॉपर्टी के पेपर दिला दूंगा, तू टेबल के नीचे से 20 लाख देगा क्या? टेबल के नीचे से क्यों, टेबल के ऊपर से देता हूं ना।
ये सारे कौन है? सर, जॉनी के आदमियों को बहुत मार रहे थे, इसलिए इन्हें यहाँ बिठाया गया है। सर, सेल ओपन करो और उसे छोड़ दो। हम लोगों को सरकार पगार देती है, सरकार मतलब लोग। हमें लोगों का वॉचमैन बनकर रहना चाहिए। वो छोड़कर हम गुंडों को सिक्योरिटी देते हैं। तुमने जो ये यूनिफॉर्म पहनी है ना, ये ऐसे काम करने के लिए नहीं है। समाज की सुरक्षा करनी पड़ेगी, ऐसे काम करने से नहीं चलेगा, समझे? सॉरी सर। अपना सॉरी अपने पास रखो। मेरा नाम है भरत भगवान। एक साल में 5 स्टेशन में ट्रांसफर होता है मेरा, क्योंकि मैं किसी को भी सूट नहीं होता। अगर मेरे साथ काम करना है तो ईमानदार रहना पड़ेगा। मेरे ना तो कोई माँ बाप है, ना ही बीबी बच्चे साथ रहते हैं। बीच बीच में ससुराल जाकर आता हूँ, मतलब बिल्कुल साफ है। अच्छे लोगों के लिए भरत भगवान है, बुरे लोगों के लिए दुश्मन। सब लोग ध्यान से सुनो, ईमानदार होकर काम करना होगा। ठीक है सर। मुझे एरिया के राउंड्स पर जाना है, इन सबको जल्दी तैयार करो। हाँ चलो चलो निकलो, चलो। ए चलो इधर से, चलो सर ऊपर करो, आगे चलो। ए समझ में नहीं आ रहा, सर ऊपर करो। हेलो। हेलो बोलो। सर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। क्या हुआ है? सर आप जिन लोगों को लेकर गए हो सब बेगुनाह हैं। शक्ति मर्डर केस में उनका कोई हाथ नहीं है, लगता है इसमें जॉनी का हाथ है। ये जॉनी कौन है अब? सर उस पर मुझे शक है, वो पहले भी अरेस्ट हो चुका है। तो ये लोग निर्दोष है क्या? ठीक है फोन रखो, मैं आता हूं। ए पीसी। यस सर। इन सबको छोड़ दो। छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे सर। ज्यादा मत बोलो, जो कहा है वो करो जल्दी। पहली बार गलती कर दी मैंने। निकालो सर, जल्दी निकालो। क्या सर, ऊपर से कॉल आया था। एनकाउंटर करोगे क्या? मोस्टली किसे मारोगे, मुझे या इन्हें? ए, तुझे शूट कर दूं, इतना बड़ा तू अभी तक हुआ नहीं है, चल निकल।
अरे तू देख रही है ना, यहाँ लोगों का तो वीडियो वायरल हो गया। क्या देख रहे हो तुम दोनों? तू भी देख ले। हाँ सूर्या, ये इस जन्म में बिल्कुल नहीं बदलेगा। सूची, अरे सूची, सूची, सूची सुन। वीडियो देखकर ऐसे क्यों जा रही है सूची? हमारी बात तो सुन। ये सूची को अचानक से क्या हो गया? वीडियो देखकर ऐसा क्यों कर रही थी? स्वाहा स्वाहा, ओम रुमाया नमः, ओम अगरबत्ती नमः, ओम मटन नमः, ओम दारू नमः, मेरा सही समय चल जाए नमः, मेरा सही समय आ जाए नमः, ओम ओम शांति ओम, मैं शुद्ध हो जाता हूँ नमः, ओम चिकनाय नमः, ओम अंडा नमः, ओम बिरयानी नमः, ओम शांति 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 ओम। सर ये देखिए कुछ कर रहा है, मेरा बिरयानी, मेरी पनीर, मेरा चिकन, नमः नमः, ओम नमः नमः, जाकर लेकर आओ, खाऊंगा नमः, जल्दी जल्दी खाऊंगा नमः, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाऊंगा नमः, ओम नमः, मैं चलता हूँ नमः। यहाँ बैठ, अरे कुछ नहीं सर, सबके सर पर टोपी रखकर धोखा देकर मैं बड़ा हुआ हूँ, इतने सारे पाप करने वाला मैं, अगर कल मैं मर गया तो मेरा पिंड कौन सा कौवा खाएगा? चल साहब बुला रहे, चल। अरे सर चल, अरे मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। चल साहब बुला रहे, चल। अरे छोड़ो ना, अरे क्या क्या मजाक है ये, क्या लगा रखा है उनको बता रहे? हाँ ठीक ठीक है, बता देंगे तुम्हारे सर साहब को। हाँ ओए शांति मिले इसलिए कर रहा था गुरुजी। अबे मरने के बाद पिंड रखते हैं, तू जिंदा होने के बावजूद रखता है, पागल हो गया क्या तू? अरे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ गुरुजी। ये पागल हो गया है, लात मार के अंदर कर साले को। चल इधर से, अरे चल बैठ इधर, चल भाई, गाड़ी में बैठ। अरे तो मैं बैठता हूँ ना, खोलो खोलो दरवाजा, खोलो अंदर बैठ। हाँ चलो 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 भैया, चलो जल्दी चलो। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब किस्मत का खेल है भाई, हमेशा कहते थे सूर्या को कार दिलानी है, कार दिलानी है, वो होने से पहले ऐसा हो गया। चल सूर्या, ये जो जगह दिख रही है ना, ये पूरी भाई की जगह थी, और देखो वो वाली भी जगह, ये जगह भाई को बहुत पसंद थी। शायद भाई को पहले से ही पता था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये जगह अनाथ आश्रम के नाम कर दी। सूर्या चिंता मत कर, मैं हूं। एक मिनट, ये ले भाई ने दिए कार की चाबी, रख ले। लेकिन मैं बोल रहा हूं तू जॉनी को छोड़ना मत, ठीक है? ए चलो रे। ओह
लिफ्ट प्लीज सर। ए, क्या मजाक कर रहा है सर? ड्रॉप करिए प्लीज। क्या? ड्रॉप करूं? हाँ सर, कुछ और नहीं, सिर्फ ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, पुलिस वाले से ड्रॉप मांगेगा तू? परसों जो ड्रॉप किया था वो काफी नहीं था क्या? सर मैं तो सिर्फ ड्रॉप मांग रहा हूँ। क्या सर? आई 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 पोलियो ड्रॉप पीने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सर लात मार के अंदर कर दूंगा। सर लात मारोगे? गधे की तरह मारोगे या फिर घोड़े की तरह? लात मारूंगा तब समझ में आएगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सर? क्या बोल रहा है बे? हाँ? पुलिस स्टेशन ले जाके बहुत मारूंगा तुझे, समझा? सर आराम से पीटोगे या जोर से पीटोगे सर? क्योंकि तू पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। कौन सा गांव है तेरा? सर मेरा गांव मल्ले मल्ले संदे सर। हाँ? मल्ले 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 संदे सर। मल्ले संदरे? ये गांव कहाँ पड़ता है? समुंदर के बगल का मल्ले संदरे सर। दिखने में तू अच्छे खासे रेपिस्ट की तरह है, साले अंदर डाल के पीट डालूंगा। ए, चलता बन यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा। ऐसे क्यों कर रहे हो सर? गधे की तरह? पागल कहीं का, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ये लीजिए दीदी। गाड़ी इधर मोड़ ले, यहीं रोक। हे, कौन हो तुम लोग? दूर जाओ यहाँ से। ए, ए, चल, चल, चल ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो ये सही नहीं कर रहे हो। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग मुझे? सूर्या क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, जाने दो। ए सुजी रुक जा। अरे रुक जा, रुकती है कि नहीं सुजी? अरे कहां भाग रही है, रुक। अरे रुकना। तू बड़ा खेल खेल रही थी ना, अब देख, अब बताता हूं मैं। हा? छोड़ो मुझे। क्या हुआ सुची? इतनी देर जो मैंने सोचा वो मेरा भ्रम था। ओह, तूने जो कुछ भी बोला ना ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती है, ये पता है तुझे सूर्या? एक लड़की लड़के की खूबसूरती देखकर कमिट नहीं करती, लड़का उसे लाइफ में कितना खुश रखेगा ये देखती है। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसे उससे ज्यादा प्यार करे। लाइफ में ऐसा होना चाहिए, लाइफ में वैसा होना चाहिए। शादी के बाद जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं सूर्या, उन सपनों को तुम सच कर दोगे ये सोच के तुम्हारे पीछे आई तो? बिल्कुल भी नहीं, ये फिक्स नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। तुम अपने दोस्तों के साथ बस घूमते फिरते रहते हो। जिंदगी क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं है। पहले जाकर पता करो कि जिंदगी में तुम्हें चाहिए क्या। देख सुची, तेरी सोच के अनुसार मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तू अभी भी किस दुनिया में जी रही है। लड़कियाँ हमारा मिसयूज करके छोड़ देती हमें, ये सब तू नहीं समझ पाएगी। तू मेरा भरोसा कर, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इस जन्म में तो तुम्हें बुद्धि नहीं आएगी। जो करना है करो जाकर। सुची सुची सुन तो, हट।
दादाजी इधर उधर देखे बगैर आप ऐसे ही चल रहे हैं। आपके कोई घर वाले आपके साथ नहीं आए क्या? दादाजी संभल कर चलिए, ये बैंगलोर सिटी है। हाँ हाँ बेटा, अपना ध्यान रखिएगा ठीक है। बड़े बुजुर्ग रोड पर चलते हैं, तुम लोग देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो। इडियट्स, डफर्स, पागल कहीं के। हाय हाय प्रिया, कैसी हाय? हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब तुम्हारी माँ कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। मेरा घर यहीं बगल में है। हाँ? आ कॉफी पीकर जाना, तू बहुत दिनों के बाद आई है। इस बार तो नहीं यार, पर अगली बार पक्का आऊंगी। ठीक है ना, मिलती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ। बाय। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? पार्क में ले जाना, फिल्म दिखाना, पब में लेकर जाना और सब कुछ दिलवाने वाला ही बॉयफ्रेंड होता है। अच्छा ठीक है, चल ठीक है। मेरा घर आ गया। अच्छा सुन, कल मैं जल्दी आऊंगी, कॉलेज साथ में चलेंगे। ओके यार सुन, खेत का नारियल पानी पिए बहुत दिन हो गए हैं, किसी पेड़ के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। बहुत दिन कहाँ हुए भाई, परसों ही आपने एक अच्छे पेड़ के ऊपर पत्थर मारा था। अरे सुन बे, परसों ना मैंने पेड़ पे नहीं पौधे पर हाथ डाला था। ये रंगा आप डिफरेंट पेड़ पकड़ने वाला है। ये तो वही लोग हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला। रहने को घर नहीं। हे, ये तो वही लोग हैं जो उस दिन बाइक पर आए थे। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? उस दिन मैंने उन लोगों को बहुत डांट दिया था, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? रक्षा करना मेरी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं चलती हूँ, मेरी रक्षा करना। देखो गुरु, आपकी आइटम जा रही है। हे भगवान। क्या यार, ये देख कर भी अनदेखा कर रही है, परसों तो बहुत चिल्ला रही थी। मैडम ये एड्रेस। हाय सूर्या, कैसे हो तुम? अच्छे हो ना? शाम को मिलती हूँ मैं तुमसे। बाय बाय। ये मुझे ऐसा क्यों बोल करके गई? ऊपर से चिट्ठी भी लेकर के चली गई। ये सब कौन है? ए, कौन है बे तू? तुझे कभी यहाँ देखा तो नहीं है मैंने? हाँ? तू खुद को परमात्मा समझता है क्या? मारो साले को। मार, मुंह तोड़ दे साले का। मार, पैर तोड़। क्यों मार रहे हो मुझे? सर छोड़ दो मुझे। सर क्यों मार रहे हो मुझे? तेरी क्यों सुनूं बे? तुम मेरी सुन, अब मैं बोलूंगा। हट। सब कुछ मेरा है, समझ ले। बेकार में मार के चले गए। पानी पी, ठीक है? जा जा जा, तुझे हमारे बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अरे अरे साला यार, मैंने बीड़ी कहाँ रख दी यार? सर नमस्ते सर। कौन है तू? क्या बात है? चार लड़कों ने मुझे मारा सर। ठीक है, वहां जाके कंप्लेन लिखवा। सर पहचान लूंगा सर। ठीक है, पहले वहां जाके कंप्लेन लिखवा, उसके बाद देखते हैं। हाँ सर। जरा इसकी कंप्लेन लिखो। जी सर। यहाँ पे साइन करो। हाँ सर। सर मैंने कंप्लेंट लिख दिया है सर।
सर, इन्होंने मुझे मारा है सर। इन्होंने मारा क्या तुझे? इन्हें पकड़ लीजिए सर। कह रहा है तू? यही लोग हैं क्या? यही है सर, मैं इनकी शक्ल भूल नहीं सकता सर। ठीक है भाई, चल। हाँ सर। इस लड़के को तुम लोगों ने मारा क्या? तू ही था, मुझे पता है। इनकी कंप्लेंट कर रहा क्या तू? जानता है ये कौन है? ये मेरे लोग हैं, मैं इनके पीछे हूँ, और इनकी कंप्लेंट करता है तू? ये जो बोलते हैं वही यहाँ चलता है। साले, अगर दोबारा कंप्लेंट की ना तो तू कहाँ गायब हो जाएगा तुझे भी नहीं पता चलेगा। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। दोबारा अगर तूने कंप्लेंट की तो तेरे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझा ना? चल, चलता बन, निकल, कहा ना निकल, चल भाग। अरे बच्चा है वो, अभी छोड़ो, दिमाग मत खराब करो, शाम को मिलता हूं, ठीक है? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? ये यहां क्या कर रहा है यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्लैकी। सूर्या ये ले, 6 लाख है। इस हफ्ते के डील का एडवांस मिलाकर 6 लाख जमा हुए हैं। तो इसे ले जाकर अनाथ आश्रम को दे दे। क्या कहा? अनाथ आश्रम को? पैसे ये 6 लाख रुपए? अरे जब भाई थे तब हमें इतने पैसे नहीं मिले, और तू इसे दान देने की बात कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सुन, ये अनाथ आश्रम को दे दे। सब लोग सोचते हैं कभी ना कभी हम मरेंगे, कुछ लोग मजे करके मरते हैं, मजे करके मरने से अच्छा है इस पैसों का अच्छा इस्तेमाल करके उस भगवान को खुश करें। ये क्या बात कर रहा है यार ये? चुप रहे तू, कितना डर गए थे हम लोग। सुबह से हर जगह ढूंढा तुझे और तू यहाँ आके बैठा है। तुझे अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? सब कुछ नसीब है और ये नसीब का खेल है। जन्म लेना एक अद्भुत बात है, लेकिन मौत सांप के काटने जैसा होता है। रंगोली बनाने के बदले आग लगाते हैं। अरे यार ये क्या प्रवचन दे रहा है यार? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ है सूर्या? सबकी अपनी सोच होती है। ये ले, पहले ये पैसे अनाथ आश्रम में दे के आ। ठीक से सोच ले सूर्या, ठीक से सोच ले भाई। तुम लोग पहले जाओ और जो मैंने कहा है वही करो। अबे हम भीख मांगकर खाते थे, भूल गया क्या? अरे मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो, जाओ देकर आओ। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। ज्यादा सोचो मत, मैंने जितना कहा है उतना करो, जाओ। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आओ। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ है वो? अभी तक नहीं आया, और कितना समय लगेगा? मेरे भैया आने वाले हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। कितना समय लगेगा तुम्हारे भाई को? टाइम हो रहा है, दूसरे मंदिर में जाके पूजा करनी है। आ जाएंगे 5 मिनट। अरे क्या शादी है यार, कहाँ फंस गया मैं? अरे गणेश, शादी करने के लिए बोल रहा है, घंटे की शादी, टाइम निकल रहा है।
अरे पंडित जी, इतने महान पंडित होकर आप घंटा बोल रहे हैं? शादी होने के बाद तेरी भी घंटी बजने वाली है, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। हाँ? ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हे प्रिया, ऐसे क्यों खड़ी हो? किसका इंतजार कर रही हो? कौन आने वाला है? टाइम हो रहा है, मंगलसूत्र बांधो। अरे थोड़ा रुक जाना यार, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? शादी मैं कर रही हूँ, तुझे किस बात की जल्दी है? मैडम थोड़ा इंतजार करो, बस आते ही होंगे वो। सच में आएंगे? चलो जल्दी करो। हाय कांग्रेस। हाँ बेटा, इसका इंतजार कर रहे थे तुम? शुरू करो। ये ले हाँ, ये पकड़ डाल। मंगलसूत्र दो। मंगलसूत्र है नमः। जल्दी जल्दी बांधो नमः। देवी तो घंटी बजी नमः। दूसरी जगह जाना है, जल्दी करो नमः नमः नमः। भैया आशीर्वाद। अरे मुझे नहीं, भगवान को करो, भगवान ही सब कुछ है। ले ले आशीर्वाद, ले ले। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, रख ले। अरे नहीं नहीं, रखना। कांग्रेट्स कांग्रेट्स भैया। अच्छा काम किया तूने यार। ये यहाँ पर क्यों आया था और तुम कैसे जानती हो? अरे वो ना सूर्या है, हम दोनों की जान बचाई है उसने। मतलब हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। वो हमारे लिए भगवान ही है, क्योंकि उस दिन हम लोग मरने जा रहे थे, उसने हमारी जान बचाकर आज हमारी शादी करवाई है। आज हम दोनों साथ में हैं तो वो सिर्फ सूर्या भैया की वजह से। हम उन्हें जितना भी थैंक्स कहें उतना कम है। हम दोनों आज जिंदा हैं उसकी वजह सूर्या भैया ही है। अगर हमारा खुद का भाई भी होता तो इतनी अच्छी तरह से हमारी शादी नहीं करवाता। हम लोग सूर्या भाई को कभी नहीं भूल सकते, उनके बहुत एहसान है हम पर। दिखने में तो बिल्कुल गुंडा जैसा दिखता है और दिल फूल जैसा। शक्ति, अरे वो शक्ति बहुत उड़ रहा था, अपुन भी बहुत खुश था। ये जगह पहले शक्ति का था, अब अपुन का है। कभी जब अपुन उससे पूछेला था ये जगह दे दो, लेकिन उसने अपुन का वाट लगाया। अब ये सब अपुन का है, अपुन का, और अपुन का इच्छ रहेगा। अगर वो इधर आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा मैं। अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं और तू मेरे सामने आके खड़ा होता है? हाँ, इतनी हिम्मत है तेरे में? आ, अपुन के एक आदमी को मार के तू अपने को हीरो समझ रहा है? ए जॉनी, मुझसे टकराएगा? मुझसे टकराने की गलती मत कर, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सूर्या मतलब मैं हूँ, शक्ति भाई को तूने षड्यंत्र रचकर मार डाला था। शक्ति नहीं है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो हवा है, सुनामी बनकर खड़ा है। मैं तुझे एक चांस देता हूँ, यहाँ इस जगह को खाली कर दे। अगर फिर भी तुझ में दम है तो पास आके दिखा, है हिम्मत?
दम है तुझ में, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस सूर्या को छुओगे तो जलकर राख हो जाओगे। आ जाओ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सर, कल हम लोग एक मीटिंग कर सकते हैं क्या? राउडी से लेकर गैंग तक सबको उठाकर लाता हूं। सर, सूर्या नाम है। श्योर सर, थैंक यू। सर सर, सूर्या है सर। अरेस्ट करो इसे। तू बच गए इसलिए खुश मत हो। हम खाकी वर्दी वाले किसी सही इंसान को उठाएंगे तो भी अच्छा ही होगा। मैं शनि महात्मा हूं, साइलेंटली आकर शिकार करता हूं, समझ रहा है ना? भगवान की तरह आओगे तो हाथ जोड़ूंगा, लेकिन भूत बनकर आए तो रोज मेरे पीछे घूमता था, अब कहाँ चला गया आज? कितना भी हो वो जरूर आता है। ये कार उसी की है क्या? मुझे लगता है वही है।
कहाँ गया होगा, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है मुझे, मतलब मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। क्या सच में नहीं आएगा वो आज? क्या वो सुची, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, तुम बोलो आज कुछ। वाह, मैं क्या बोलूं, तुम ही कुछ बोलो। ये जगह बहुत अच्छी है ना सूर्या, इस जगह को देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता। तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं? तुझसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, तू बयां करती है पर मैं नहीं करता, इतना ही। मुझे देखकर तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या? कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ सुची, मेरा फोन नंबर किसने दिया तुझे? मुझे भी तो उससे बात करनी है, मिलता हूँ। सूर्या, मुझे लगा था तुम मुझे पार्क लेकर जाओगे। सुची, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, अभी भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना जी नहीं सकता, इतना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं जिस हालत में हूँ, मैं कब मर जाऊँ ये मुझे भी नहीं पता। प्लीज ऐसे मत बोलो सूर्या। अरे चुप हो जा सुची, मेरी बात सुन। पुलिस वालों के हाथ में गन अच्छी लगती है, डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप और मेरे जैसे लोगों के हाथ में तलवारी शोभा देती है, लेकिन तेरे हाथ में गुलाबी अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे सूर्या? ठीक है, इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहते हो, सही कहा ना? ठीक है, बट आई लव यू सूर्या, मुझे बस तुम चाहिए। पहले हमेशा तुम मुझसे कहते थे, सुची मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देख सुची, तेरे पास जो फैमिली है वो मेरे पास नहीं है, अच्छे पापा हैं, जो चाहिए उसे दिलाने वाली माँ है, वो सब तेरे साथ है,
वो जैसा कहते हैं वैसा कर बस, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तेरे हाथ में रोज ही अच्छा लगता है, मुझसे प्यार करके तो खुश नहीं रह पाएगी। सूर्या, मेरी जिंदगी बस तुम ही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सूर्या, ए जाड़ा, वो लोग आएंगे ना? मैंने बोला है वो आते ही होंगे। सूर्या। तुम सबको यहां बुलाने का कारण यह है कि अब से तुम लोगों को मेरे साथ रहना होगा। इतने दिन तुम लोग किसके साथ रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब से मेरे साथ तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा और मासूम लोगों को डरा धमका के तकलीफ नहीं दोगे। ये सब ध्यान में रखो। हम जो काम करेंगे उससे समाज का भला होना चाहिए, बर्बादी नहीं। गुंडों को सब लोग खूनी धोखेबाज समझते हैं, उन सबको पीछे छोड़कर हम क्या है उन्हें दिखाना होगा। और जहां जहां गलत काम हो रहे हैं उसे हमें सही करना होगा। खूनियों के लिए खूनी बनना होगा, धोखेबाजों के लिए धोखेबाज बनना होगा, टोटली बताऊं तो बुरे लोगों के लिए बुरा बनना होगा। जो औरतें घर के सामने रंगोली बनाती हैं या पार्क में घूमने जाती हैं, उनके गले की चेन पर किसी ने हाथ डाला तो काट डालेंगे हम। ताले लगाए हुए घरों में ताला तोड़कर अगर किसी ने पैर रखा तो वो पैर तोड़ देंगे हम। अगर हम में से किसी ने भी राजा बनने की कोशिश की तो पुलिस वाले हमें उठा लेंगे। गुरु, जो कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीछे जो खड़ा होगा उनके लिए मैं भगवान हूँ, आगे जो आएगा उनके लिए मैं यमराज हूँ। सब लोग अच्छे से सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं है सूर्या भाई, आपने जो कहा वो सही है। भाई, इस समाज वालों ने हमें गलत समझा है, उसे ठीक करने का मौका मिला है। आज से हम लोग आपके पीछे खड़े होकर सपोर्ट करेंगे सूर्या भाई। अरे भाई साहब, क्या बोल रहे हो? सुबह से शाम तक ऑटो में घूमकर पैसे मांगा तो परेशान क्यों कर रहे हो? मैं कहां परेशान कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं ना, ये लो। दो फिर? भाई साहब, ऑटो का मीटर 180 रुपए बता रहा है, जितना पैसा है उतना ही दो, 50 रुपए क्यों दे रहे हो? अबे बुड्ढे, मेरे पास इतना ही है, चाहिए तो ले। हाँ, मैं बुड्ढा हूँ, तू तो जवान लड़का है। हम जैसे मेहनत करने वालों को परेशान कर रहा है ना, वो भगवान भी तेरा कभी अच्छा नहीं करेंगे। क्या मेहनत करता है बे? ऑटो में बैठता है, स्टार्ट करता है, गियर डालता है, तू इसके अलावा क्या करता है तू? एक ऑटो ड्राइवर को तूने समझ क्या रखा है? अपने जान को जोखिम में डालकर ऑटो चलाते हैं। बगल से अगर एक कार वाले ने आकर टच किया तो एक हफ्ते की कमाई ऐसे ही खर्च हो जाती है। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करके ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाना मतलब खेल करना नहीं है। गांव में किसान जैसे बीज बोते हैं ना, वैसे ही हम ऑटो वाले मेहनत करते हैं। बी कर बोल रहा है ना, मेहनत करने वालों के बारे में तुझे क्या पता है? तू कितना भी भाषण दे दे, मैं तो इतना ही देने वाला हूँ, ये ले। ए, 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 कौन है बे तू? ये तेरा बाप है या रिश्तेदार? हे, ऑटो ड्राइवर हमेशा बाप या रिश्तेदार ही नहीं होते। तूने इन ऑटो ड्राइवर को क्या समझ रखा है? तुझ जैसे को काट कर रख देंगे। एक भी दिन अगर इन्हें भाड़ा नहीं मिला तो इनकी हालत क्या होती है पता है क्या तुझे? ऑटो वाले के ऊपर मुझे बहुत अभिमान है, तुझे पता भी है। देख, तेरे घर में अगर कुछ भी हुआ तो पहले यही आते हैं, लेकिन तुम लोग इस ऑटो को बैलगाड़ी से भी गया गुजरा समझते हो। देख साले, मीटर का बिल जितना हुआ है उतना देकर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आते टाइम, तू सिंगल आया था ना, जाते टाइम डबल करके भेजूंगा और वो भी डॉक्टर के साथ। इनकी जगह कोई और होता तो तेरा कचूमर निकल जाता, समझा? ये सीधे हैं इसलिए इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप इनका सारा पैसा देकर जा। ठीक है, रख लो। ए, सुन, इधर आ, इधर आ बे। क्या बे? मीटर पर 180 रुपए हुए हैं,
₹20 टिप्स से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। मीटर का पैसा ही काफी है, जा। देखा बेटा, कितनी गलत बात कर रहा था। चिंता मत करो, जाने दो सर। एक हाथी जब रास्ते से गुजरता है तब ऐसे हजार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी मस्त पलंग चलता रहता है। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों के बारे में मत सोचो सर, हाथी की तरह चलते रहो। क्या कहूँ बेटा, मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बड़ी है। सर सर बड़ी बातें मत करो सर, इस ऑटो को देखकर कुछ याद आता है मुझे। चलता हूँ सर। चलता हूँ ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, जाकर आता हूँ ऐसा कहते हैं। ठीक है सर, कभी ना कभी तो जाना ही है। अच्छा लड़का है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, मुझे देखकर गाड़ी क्यों रोक रहा है? क्या सर, सूर्या अकेला है इसलिए अरेस्ट करने आए हो क्या? देख सूर्या, एक बात बताता हूं, मैं भी तेरी तरह अनाथ हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा कर्तव्य ही मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन है ऐसा समझता हूं मैं। तुझे इस समाज का अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन तू उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तेरे में एक शक्ति है, उस शक्ति को दुष्टों का वध करने के लिए इस्तेमाल कर, इस समाज में अच्छा बनकर रह। इतने दिनों तक तू बुरा बनकर रहा ना, तुझ में रहने वाली इच्छा के लिए तुझे मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। हम जैसे ऑफिसर्स को एक जगह पर रुकने नहीं देते ये लोग, ये ब्लडी सिस्टम। जहां पानी नहीं होता वहां पे ट्रांसफर किया है। माय फुट। नया आईपीएस ऑफिसर यहां पे ट्रांसफर होकर आ रहा है, पहला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एंटी रॉडिज्म स्क्वाड है, थोड़ा होशियार रहना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। हेलो लकी। यार तेरे साथ रहकर हम कभी एंजॉय नहीं कर पाते, क्या हुआ है तुझे यार? यहाँ पर क्लब में हम लोग डांस कर रहे हैं, अगल बगल लड़कियाँ हैं, लाइफ फुल एंजॉय कर रहे हैं। मस्तान, जाड़ा, मुन्ना सारे मेरे साथी हैं। न्याय, नीति, धर्म तू ही रख, लेकिन हम वैसे नहीं है। हम अपने रास्ते और तू अपने रास्ते। गुड बाय। मेरी एज छोटी थी लेकिन मैं अपने दोस्तों के भरोसे बड़ा हुआ। लेकिन मेरे साथ रहने वाले दोस्तों के लिए पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मुझे छोड़कर गए। लेकिन पहले जब मैंने रंगा का मर्डर किया था, तभी मेरा बॉस शक्ति, मेरे गुरु, मेरे देव ने मुझे स्टेशन से बाहर निकाला। सब कुछ मेरे सोच के हिसाब से नहीं हुआ। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। इस दुनिया में असली प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। आगे मेरे साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। ए सूर्या, आप कौन हो? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, कविता और कहानियां लिखता हूँ। फिर भी ये पेपर पढ़ लो। पढ़ लो। सूर्या, मैं भरत भगवान। परसों जब तू मुझे मिला था मैंने कुछ नहीं कहा था, तुझे मैं एक सच बताना चाहता हूँ। शक्ति अभी तक मरा नहीं है, एक लावारिश लाश मिली थी, वो दिखने में शक्ति की तरह थी, इसलिए वो शक्ति है ऐसा कहकर प्रचार किया गया। शक्ति तब यहाँ नहीं था, दुबई में सेटल हो गया था। मैंने ही उसे ये बात बताई थी, तभी हम दोनों ने फैसला किया। मैंने ऐसा क्यों किया कहूं तो शक्ति एक गुंडा है, लेकिन उसने आज तक किसी अच्छे आदमी को तकलीफ नहीं दी। अच्छे इंसान को अच्छाई बनकर रहना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। मैं और शक्ति बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं, और शक्ति ने ही मुझे तेरे बारे में सब कुछ बताया था।
वो भगवान ही अब मुझे रास्ता दिखाएगा। सूर्या, तुझे ये पढ़ने के बाद क्या लगा? डोंट वरी सूर्या, चिंता मत कर, वहां कोई इंतजार कर रहा है तेरा, जाओ। इस हादसे को देखकर उस जमाने में मैंने जो तलवार पकड़ी थी वो याद आ रहा है। वो सब याद करके तलवार पकड़े हुए हाथ से ये मिट्टी हाथ में लेकर तेरी सेवा करने को मिल रहा है, कितना भाग्यशाली हूं मैं। होना दो दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस गांव की धूप में बैठकर क्या सोच रहे हो आप? हाँ, सोचना पड़ता है ना, पुरानी यादें एक एक करके याद आ रही है मुझे। तुझे देखकर देखते रहने का मन करता है सुची। वैसी बात नहीं है, आप तो मेरी जान हो, आप मेरे प्राण हो। वो भी ठीक है, तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, इसके अलावा और हमारा कौन है? हम दोनों एक ही हैं, क्या बोलती हो सुची? तब तुम कैसी लगती थी सुची? तब तुम कॉलेज की लड़की थी। आप भी कुछ कम नहीं थे, चार लड़कों को पीछे रखकर मुंह में सिगरेट रखकर मुझसे मिलने आते थे, आपको देखते रहने का मन करता था मेरा। बच्चे नहीं है इसीलिए नाराज मत हो सुची, मेरे लिए तू बच्ची है और तेरे लिए मैं बच्चा हूँ, हम दोनों के लिए हम ही बच्चे हैं, हम दोनों का प्यार अमर है सुची, अमर। अरे 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 शिवा भगवान,
बहुत धूप हो रही है, चल नहीं पा रही हूँ। इतनी धूप में ये यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? अरे सुची, तुम्हें आकर कितना समय हुआ? मुझे आए हुए बहुत समय हो गया है। चलो हम लोग घर चलते हैं। ठीक है, आओ घर चलते हैं। क्या देख रहे हो? अगर पुरानी सब कुछ अच्छी यादें होती तो याद आती रहती है। वो सब कड़वी यादें हैं, फिर भी बीच बीच में आती जाती रहती है। क्यों सूर्या, पुरानी बातें याद आ गई क्या? आपको खाना खाए 2 दिन हो गए हैं, मैंने भी तब से खाना नहीं खाया है। मैं आपके लिए चावल लेकर आई हूँ, खा लो ना सूर्या। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को मना कैसे कर सकता हूँ? तेरे हाथों से खाने का नसीब है मेरा, खिला। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुची, मैं अकेले खा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ तुम भी खाओ ना सुची। सुची, पता नहीं क्यों आज मेरा मन तुम्हारी गोद में सोने को कर रहा है। मैं सो जाऊं क्या? पूछने की जरूरत है क्या सूर्या तुम्हें? आओ। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकती सूर्या। अब हम हमेशा साथ रहेंगे सूर्या, सूर्या, सूर्या।